सर, ये जो रिजॉर्ट है क्या आपका है? अनंतरा रिजॉर्ट मेरे बेटे का है। आपके बेटे पर आरोप ये है कि जो ये लड़की मिसिंग है, आपका बालक जो है पुलकित, वो उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहा था, ऐसे कुछ एविडेंस आए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो हम जिम्मेदार लोग हैं। वो गायब क्यों है, वो फ्रंट में क्यों नहीं आ रहा? नहीं नहीं, गायब ना तो मेरा बेटा गायब है। मेरा बेटा गायब क्यों होगा भाई साहब? वो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या वो पुलिस को सहयोग करेगा? पूरा सहयोग करेंगे हम पुलिस को। वो जो भी हमसे जानकारी लेगी, जहां भी हमें बुलाएगा कोई भी हमारा अधिकारी, हमारे सम्मानित अधिकारी हमें कहीं बुलाएंगे, हम जाएंगे, वो भी जाएगा। तो कब तक आ जाएगा वो यहाँ पे? क्योंकि ये जो जांच हो रही है उसमें उसकी आवश्यकता है, आपके मैनेजर और पुलकित की। कोई बात नहीं, तो आज भी आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? नहीं, आज तो मैं सूचना हुई, अगर कहो तो हम आज ही बुला पाए। पिछले 5 दिनों से गायब है लड़की, मिसिंग है, उनके फादर लगातार कंप्लेंट के लिए बाहर भी घूम रहे हैं। तो आपको क्या कुछ लग रहा है अभी तक? आपके अपने बेटे से बात हुई होगी, क्योंकि आपके खुद के रिजोर्ट का ये मामला है, क्या कुछ लग रहा है? मेरे बेटे से बात हुई है, वो लोग भी ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ नंबर है, किन किन पे बात हुई है, सब लोग काम उसके लिए लगे हुए हैं कि भाई बेटी मिल जा। मैं भी बेटी वाला हूँ, मेरे भी बेटी है, और हम भी चाहते हैं कि भाई किसी के साथ भी अन्याय ना हो। लेकिन एक चीज है कि आप दिन भर नहीं आए और रात के समय थाना लक्ष्मण झूला में आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, और छुपते छुपाते नहीं, नहीं नहीं, हमें तो, मैं तो वैसे ही आया हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया है। रात को आप दिन में नहीं आते? दिन में कब आते हैं? दिन भर के बाद तो यहाँ से जानकारी हुई हमको कि भाई हमारी, वो हमने यहाँ से ट्रांसफर कराई कि भाई हमारी जो वो जांच है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है। हमको आप 10 बार बोलो, हम 10 बार आएंगे। नहीं, जो अभी तक जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से आपके बालक ने उसके साथ बदतमीजी की। नहीं, बहुत गलत बात है ये, अगर ये साक्ष्य मिले हैं और बालक मेरा अपराधी है तो जो भी उसके लिए सजा होगी उसको दो आप। ठीक, क्या पीड़ित परिवार के, पीड़ित परिवार से मिले हैं? हम पीड़ित परिवार से मिले हैं, हमारी पूरी सहानुभूति बेटी के पीड़ित परिवार के साथ है। जो भी हमें कहेंगे हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। आपके रिजोर्ट के कैमरे गायब क्यों हैं? तीन महीने से बंद क्यों है, कारण क्या है? नहीं नहीं, ये कोई कारण नहीं है, वहां से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां रिजोर्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस कारण से कैमरे बंद है। क्या कहीं ना कहीं इस पे ये कुछ तख्ते छुपाने का लग रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम कोई तख्ते नहीं नहीं, हम जिम्मेदार लोग हैं, ना हम खुद को छुपाते हैं, ना हम किस तथ्य को छुपाएंगे, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आए, कहीं ना कहीं ये लगता है। लेकिन सर, स्टाफ के जो लोग हैं उन्होंने खुद बयान में कहा है, कई उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं और लड़की का खुद एक उन्होंने कहा है कि लड़की की वहां पर आवाज भी आई थी। ऐसा ना साहब, उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो अगर मान लिया मीडिया मैनेजमेंट है, वो तो वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए, मीडिया मैनेजमेंट आप गलत शब्द यूज कर रहे हैं, मीडिया मीडिया यहाँ कोई मैनेज नहीं है, मीडिया पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। मीडिया नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मैनेज क्या है, टॉपिक क्या जी, आप कह रहे हैं ना कि मैनेज किस तरह का, ये इलेक्शन तरह हो रहा है, क्या मैनेज कर रहे हैं आप जी? आप कह रहे हैं मैनेज कर रहे हैं? नहीं, मैनेज से मेरा मतलब क्या समझा आप लोगों ने? मीडिया मैनेजमेंट कह रहे हैं ना, मीडिया कोई मैनेजमेंट नहीं है, उसका आप गलत अर्थ क्यों लगा रहे हो? मेरा भाव गलत बात के लिए नहीं है, मेरा भाव तो ठीक बात। स्टाफ के लोगों से बात करिए सर, जो स्टाफ के लोग हैं उनसे बात करिए। हाँ, बात की है। क्या क्या कुछ निकला है उनके, उससे आप जो बात? ये निकला है कि भाई इसमें अगर मेरे हमारे उनका किसी भी स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये साबित होता है तो आप उसको सजा दें, जो भी उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जा, हम जिम्मेदार लोग हैं। क्योंकि स्टाफ का पूरा बयान, स्टाफ का पूरा बयान, हमें जांच अधिकारी कोई भी आदमी मुझे बुलाएगा या मेरे बेटे को बुलाएगा, हमारे किसी भी परिवार के व्यक्ति को, हमारे स्टाफ को बुलाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको यहाँ उपस्थित करें। आपका बेटा कब तक उपस्थित हो जाएगा? नहीं, सबकी सुई तो घूमेगी सर, आप खुद आए हैं यहाँ पर, लेकिन बेटा अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि अभी सर ये आज ही तो यहाँ हमने शिकायत ट्रांसफर कराई ना, जांच हमारे तो कहने से भाई जांच नहीं, आपके कहने से नहीं हुई है, इसके लिए हम लोगों ने पुरजोर प्रयास किया है बॉडी में। सर, हमने भी प्रयास, आपने कोई प्रयास नहीं करा? आपने तो पटवारी की एफआईआर लिखाई, वो भी देर में लिखाई है? नहीं नहीं नहीं, हमने देर में क्यों? देर में लिखाई है, 17 तारीख से मामला सारा चल रहा था, 18 रात से मिसिंग थी, 20 रात को वो, 19 तारीख अगले दिन हमने वो करा, हमको जांच उसको लिखवाया। चलिए, खैर जो भी है, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जांच में सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, और आपका जो हर तरह सहयोग करेंगे हम, तो शासन प्रशासन पुलिस सबको सहयोग करेंगे, हम जिम्मेदार लोग हैं, हम गलत काम क्यों करेंगे?
क्योंकि लास्ट टाइम का सर वो जो लड़की गायब हुई थी तो जो स्टाफ का बयान है कि वो आपके लड़के के साथ है, वो गई थी लास्ट टाइम। नहीं, ये गलत बात है। स्टाफ ने खुद ये बयान दिया। नहीं, स्टाफ के बयान को कैसे भी आप कोई भी कैसे भी दे सकता है, दिलवा लीजिए। स्टाफ को उसके बाद बयान बदल लेगा अपने। अगर आपका लड़का दोषी पाया जाता है इसमें, जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। ठीक, चलो ठीक है जी, थैंक यू।